हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है ना, शाम को 7 सॉरी समथिंग, हाँ 7 ही बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं। और मैं उठी थी यहाँ, जैसे कि मालूम है कि हम लोग दोपहर में सोते हैं, तो दोपहर में सोए थे हम लोग 4 बजे। उसके बाद फिर हम 1 ही घंटा सोए हैं और 5 बजे उठ गए हैं। 5 बजे उन्हें दुकान खोलनी होती है। इसके बाद फिर उठने के बाद जो किट्टू का पूरा काम जो है मैंने किया, उठने के बाद उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उसको दूध पिलाना पड़ता है, उसको कुछ खिलाना पड़ता है, उसके बाद जो है उसको दुकान में भेजना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरा काम शुरू होता है। दोपहर के शाम के जो बर्तन होते हैं वो धोने पड़ते हैं और झाड़ू फेरनी पड़ती है, तो ये काम मेरा होता है। तो ये काम मेरा हो चुका है, सब काम मेरा हो चुका है। अब आया है मेरा काम जो है, वो है खाना बनाने का। तो मुझे खाना बनाना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया था जो सुबह है, मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं अपना घर का जो है मतलब होम टूर कराने वाली हूँ। तो मैंने वो वीडियो अभी नहीं, दिन में बना लिया था मैंने वीडियो। बट हाँ, जैसा कि आपको पता ही, मैंने सो दिन में बताया था कि मेरे मोबाइल में जो है मेमोरी फुल हो चुकी है, जिस वजह से मतलब मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो अब उसका जो है मतलब, इसलिए मैंने क्या करा कि पहले उसे अपलोड किया, उसके बाद फिर मैंने इसके मतलब ये वाला वीडियो मैंने बनाया। तो इसलिए ना मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं दिन में नहीं डाल पाई थी। तो इसलिए मैं अभी जो है उसको, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मैं उसे अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग देख लीजिए मेरा घर कैसा है। अब ऐसे तो सबको पता ही है कि मेरा घर छोटा सा ही है, बट फिर भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि नहीं आपका पूरा घर हमें एक बार दिखाइएगा। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। दुकान देखना था तो मैं दुकान के अंदर नहीं जाती हूँ, बट हाँ मैंने बाहर से ही वीडियो बना ली थी। तो आप पूरा वीडियो जो है देखिएगा, आपको दिख जाएगा कि मेरे छोटे से घर में भी मैं कैसे रहती हूँ और कैसे रखती हूँ अपने घर को, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, अगर आप चाहते हो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मेरे मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप वीडियो देख के समझ जाओगे कि छोटा सा घर है और हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, उस हिसाब से फिर मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ। तो फिर आपको ना मतलब देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी जो है वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसके बाद कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो फिर मैं देख लीजिए आप लोग वीडियो। तो गाइज ये देखिए, ये जो है मेन गेट है। मैं चाहती थी बाहर से वीडियो बनाना, बट मैं बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि दुकान पड़ जाती है, दुकान के बाहर बहुत सारे जो लोग खड़े रहते हैं और इनके दोस्त वगैरह खड़े रहते हैं, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो ये देखिए मेन गेट है ये, और यहाँ पे ये देखिए सामान, कुरकुरे वगैरह जो होते हैं, चिप्स, कुरकुरे, पफ, ये टंगे हुए हैं बच्चों का आइटम जो है। ये मेन गेट के बाद जो है ये शुरू होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सामान रखे हुए हैं, चिप्स वगैरह टंगे होते हैं, और ये देखिए ये सब वही टंगे हुए हैं। और ये लोहे का ही जो है रेक बना हुआ है, तो इसमें देखिए ऊपर से नीचे सामान, ये जो है ना ये डिस्पोजर है, डिस्पोजर रखे हुए हैं, और ये डिब्बा डिब्बी रखे हुए हैं जो खाली होते हैं वो, और इनके ही ऐसे थोड़े बहुत सामान पड़े हुए हैं। और यहाँ पे किट्टू जो है ना परेशान करे, और ये बच्चों के जो नेम चिट होते हैं, जो कॉपी किताब में चिपकाते हैं वो है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लोहे का ही है पूरा जो है, लोहे का जो होता है ना वो उनसे ही बनवाया था इन्होंने, मेरी शादी से पहले मतलब पहले से ही दुकान है ये। तो ये देखिए, और इन्होंने पता क्या करे, ये जो चिट होते हैं ना जो मैं अपने किचन में चिपकाती हूँ पेपर कलर वाले, वही कलर वाले पेपर से ना अपने दुकान को ना उन्होंने लगा दिया है। तो दुकान में देखिए अच्छा लग रहा है, वो कलर वाले पेपर जो है उन्होंने पूरे रेक पे जमा दिए हैं अच्छे से, उसके बाद जो है सामान उन्होंने जमाए हैं उसके ऊपर, तो अच्छा लग रहा है। छोटा सा ही दुकान है, आप देख सकते हो खुद ही। ये देखिए पूरा मैं दिखा रही हूँ, और किट्टू के पापा को ऐसा लग रहा है कि मैं किट्टू की वीडियो बना रही हूँ, बट मैं जो थी मैं दुकान की वीडियो बना रही थी। उनके दोस्त खड़े थे बाहर, एक दोस्त खड़े थे, उनसे बातें कर रहे थे वो। तो ये है मेरा छोटा सा दुकान, ये है दुकान की गेट, छोटा सा गेट है। और ये देखिए अब यहाँ से जो शुरू होता है वो मेरा कमरा है, और ये सोफ़ा का जो है ना, एक सोफ़ा जो है ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, जिस पे ना जो बिछाने के कंबल वगैरह, रजाई वगैरह, ये जो है ना रख देती हूँ मैं सुबह के टाइम पे। और ये जो गेट दिख रही है बाहर की तरफ का गेट है, ये गेट यहाँ से ना मतलब मेरे ससुराल वाले रहते हैं उस तरफ, तो ये वहाँ का गेट है। और ये देखिए छोटा सा मंदिर भी है घर पे ही, छोटा सा मंदिर मैंने बनाया था ये देखिए। और ये गद्दा जो मैं बता रही थी ना कि गद्दा हमारा ख़राब हो चुका है, तो हमने ऐसे जगह नहीं है इसलिए सोफे के पीछे रख दिया है, आप देख सकते हो।
सोफे के पीछे ना उसको ऐसे रख दिया हम लोगों ने। और ये देखिए मेरा पूरा कमरा जो है आप ही देख सकते हो, मैंने वही कलर वाले पेपर को कटिंग करके मैंने ऊपर अलमारी में जमा दिए हैं। ये देखिए ये है मेरा कमरा छोटा सा, मैंने आपको दिखाया था। ऊपर आप सोचे हो क्या ये चादर है, आप समझ सकते हो चादर वाला घर है। और ये देखिए इस तरीके से मैं अपने घर को रखती हूँ, आप देख सकते हो। ये खिड़की है, ये खिड़की है बाहर की तरफ, मैं आपको खोल के दिखा दूंगी। ये देखिए पीछे के तो अभी ठंडी चल रही है ना, इसलिए मैं खिड़की बंद रखती हूँ क्योंकि हवा वगैरह आती रहती है। और देखिए पीछे ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। नीचे तरफ जो है झुग्गियाँ हैं और इस तरफ जो बने हुए हैं ये सरकारी क्वार्टर है, उसके बगल में फिर हम लोग रहते हैं, उसके बगल में हमारा घर है फिर। और ये देखिए मैंने रेक साफ़ किया था, तो उसके बाद जो रेक के जो बर्तन है वो बाहर अभी रखे हुए हैं। मैंने बर्तन धो लिए थे बट मैंने अभी जमाए नहीं है, बाहर रखे हुए हैं। और ये देखिए ये दूध, किट्टू का दूध जो है मैंने उबाल के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से रखा हुआ है। किचन में ये एडजस्ट करके रख रहे हैं क्योंकि कमरे के अंदर ही किचन है। ये देखिए ये डिब्बे डिब्बे रखे हुए हैं, ऊपर मसाले के डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं, छोटे छोटे से डिब्बे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है ये, क्योंकि दुकान है बस हम थोड़ा थोड़ा भर के रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहीं दुकान से ले आती हूँ मैं। ये देखिए क्योंकि जगह नहीं है रखने के लिए यहाँ पे, और ना ही इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, तो इसलिए ये स्टील के जो है ये शादियों में मेरे को मिले थे तो, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया है, ऊपर जमा दिए हैं, जगह नहीं है। तो ये देखिए बर्तन का रेक है जिस पे बर्तन जमे हुए हैं। अभी बर्तन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, दो लोगों के हिसाब से ठीक है बर्तन तो। और ये गुंडे कसड़ी है जो मैं सुबह नल आता है तो मैं इनको भर लेती हूँ। इन्होंने पानी निकाला होगा तो ढक्कन ठीक से बंद नहीं करते, यही काम जो है ना मेरा दिन भर चलता रहता है। और ये देखिए स्टील के बर्तन नीचे भी जमे हुए हैं, ये बड़े वाले जो होते हैं ना जो डब्बा स्टील के वो रखे हुए हैं, तो उसमें आटा चावल मैंने रखा है, दाल आटा चावल दाल रखा है मैंने। और ये कूलर है हमारा, और कूलर के ऊपर जो है मैंने ये देखिए सब्जी रखी हुई है, ये डलिया बनाई है सब्जी के लिए, डलिया दो डलिया हैं, एक में मैं टमाटर धनिया हरी मिर्च रखती हूँ और दूसरे में मैं जो कोई भी सब्जी जैसे आप खरीदते हो, आज ही मैंने सुबह ही खरीदा था, मैंने आपको सुबह के वीडियो में दिखाया था, सुबह ही सब्जी वाला आया था तब मैंने खरीदा था ये आलू गोभी और टमाटर, क्योंकि मैं गई थी उस दिन ख़त्म हो चुका था। और ये उन्होंने संतरे लिए हैं, अभी दिन में ही उन्होंने संतरे लिए हैं तो उन्होंने ला के ऐसे रख दिया। और ये देखिए पलंग को मैंने देखिए साफ़ कर लिया था दिन में ही तो। और ये हमारी शादी की फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखिए हम दोनों की रिसेप्शन की एक फ़ोटो जो है यहाँ रिसेप्शन की थी, और एक दो फ़ोटो जो है वो मैं शादी की है। और ये देखिए ये मैं आपको दिख रही हूँ ड्रेसिंग टेबल में, तो ये देखिए यहाँ पे एक ये मैंने सुबह ही जमाया था जैसा कि मैंने बताया, मैं ये काम तो मेरा रोज़ ही होता है लेकिन अभी कुछ ज़्यादा फैल गया था। तो ये देखिए और ये है ये किट्टू की दवाइयाँ रखी हुई है, एक एक जो कोना है ना उसमें मैं दवाइयाँ रखती हूँ। फिर ये देखिए इस तरीके से एडजस्ट करके रखा है सामानों को सब। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे बोरोलिन रखी हुई है, जो जरूरत की चीज़ें जैसे मॉइस्चराइजर लगाना और बोरोलिन ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर रखी है। और ये है मेरा अलमारी, वो किट्टू के पापा और किट्टू बाहर गए, मेन गेट वो है, आपको जैसा दिख रहा होगा ना वो मेन गेट है। और इस तरफ तो पूरा आप देखोगे सामान वगैरह रखे हैं, दुकान का ही सामान रखा हुआ है, और इसी से ही सटा हुआ मेरा कमरा है, बस छोटा सा ही घर है मेरा। ये कपड़े टंगे हुए हैं डेली यूज़ के कपड़े जो है किट्टू के पापा के, वो टंगे हुए हैं, मैंने ऐसे दीवार में बना दिया टंगाने के लिए। तो ये देखिए इस ये जो इस तरफ का है, ये वहाँ वहाँ जो दिख रहा है वो बाथरूम है हमारा, और ये जो है मंदिर है, और यहाँ पर घड़ी टंगी हुई है, ये हमारी शादी की फ़ोटो टंगी हुई है। तो बस यही है घर मेरा, आप देख सकते हो ऐसा ही यही घर है मेरा, छोटा सा घर। किट्टू के दूध की बोतल भी रखी हुई है, दूध पिया था अभी उसने। और ये देखिए पूरा कमरा मेरा देख सकते हो, इस तरीके से दिखता है मेरा कमरा। उनके दोस्त जो है ना वो लोग हमारे घर को ये सोचते हैं कि बस आके खड़े हो जाते हैं और मोबाइल चार्ज पे लगा दो हमारा ये वो मतलब, तो इसलिए वो मोबाइल जो उनके दोस्त का है वो मोबाइल लाके उन्होंने चार्ज पे लगा दिया है। तो मुझसे बोल रहा था, मैंने कहा नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ आप लगा दो करके। तो ये देखिए ये है मेरा घर, एक ही कमरा है, और ये नीचे चटाई बिछा के रखती हूँ जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और टीवी चल रही है।